की एनर्जी में अपने सेवन चक्रास के ऊपर काम करते हैं। अगर जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब वो जन्म लेता है, तो वो बिल्कुल ही मासूम होता है, भोला होता है, और किसी भी तरह की उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होता, वो प्योर सोल होता है, उसका कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, आसपास का वातावरण, नेगेटिव वातावरण, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का वातावरण, गुस्से का वातावरण, इस तरह से चीजों से वो धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। और जब उसके चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो क्या होता है, तो जो ब्रह्मांड से उसको जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा उसको मिलनी बंद हो जाती है। जो कॉस्मिक एनर्जी उसके पास आती है, जिस वो उसकी जो होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज आता है तो फिर क्या होता है, क्राउन चक्रा अगर आपके ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो आपका मन अशांत रहता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपना डिसीजन मेकर नहीं हो पाते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन समय पर नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट पे रहते हैं। थर्ड आई पर अगर आपका ब्लॉकेज हो जाता है, तो अधिकतर आप लोग थे ना, बहुत सारे लोग ऐसे सुनने को मिलेंगे कि उनको बहुत ही सिर में दर्द रहता है, वो कहते हैं कि मेरा तो सिर दर्द से शादी ही हो गई है, बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मैंने सुनी है बातें। तो उनका जो थर्ड आई जब ब्लॉक हो जाता है, तो उनको सिर में दर्द, मेमोरी लॉस होना, उनको कम समझ में आना, कंसंट्रेशन पावर उनकी कमजोर हो जाती है, बिजनेस में उनको लगातार लॉस आने शुरू हो जाते हैं, जॉब में उनका मन नहीं लगता, बार बार वो अपनी जॉब को बदलते जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके सामने आनी शुरू हो जाती है। जब उनका थ्रॉट चक्र पे वही ब्लॉकेजेस, जब उनको थ्रॉट चक्र पे आती है, तो थ्रॉट चक्र पे ब्लॉकेज आने की वजह से थायराइड जैसी बीमारी आ जाती है। थायराइड बेसिकली क्या होता है, जब हम अपनी बात को किसी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हमारे अंदर, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी नहीं हो पाती हैं, हम लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं, और अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। वो घुटन जो होती है, वो एक टाइम के बाद में वो थायराइड का रूप ले लेती है। ऐसे ही हमारे पास हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र में जब कोई ब्लॉकेज आ जाती है, तो यू नो हार्ट अटैक्स, चेस्ट, लंग्स, नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, एडिक्शन, जितने भी लोग आप देखेंगे ना जिनको बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो कहीं ना कहीं इंटरनली कमजोर होते हैं, उनका हार्ट चक्र वीक हो जाता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो स्मोक कर रहा है, एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सिगरेट ही पी रहा है, सॉरी ड्रिंक कर रहा है। एडिक्शन में आप चाय को भी ले सकते हैं, कई लोग बार बार चाय पीते हैं, कई लोग बार बार कॉफी पीते हैं, कई लोग एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। एडिक्शन कई बार आप देखें ना, कई लोग बहुत ही पूजा पाठ भक्ति करते हैं, पूरा पूरा दिन पूजा पाठ भक्ति करते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता, वो भी एक तरीके का एडिक्शन ही होता है। बच्चे आज के टाइम में मोबाइल फोन के अंदर इतना ज्यादा उसके अंदर बिजी हो गए हैं, पूरा दिन उसके अंदर लगे रहते हैं, सुबह से रात तक उसके अंदर लगे रहते हैं, वो भी एक तरीके का एडिक्शन होता है। तो जब भी एडिक्शन, हमें किसी भी चीज का एडिक्शन होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशनली ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस अगर हमारे सोलर प्लेक्सस पे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको जैसे कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, ये ए बी सी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लूज मोशंस होते हैं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारे कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं। सैक्रल चक्रा यानी कि हमारे जो गुप्त अंग होते हैं, वहां पर हमें प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, किडनी इन्फेक्शन होते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे सैक्रल चक्रा से ही जुड़े होते हैं। इनफैक्ट अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दंपत्य जीवन है, और आपके सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो डिवोर्स तक के केसेस आ सकते हैं। अगर कोई अनमैरिड बच्चा है और उसके सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो उसको एक राइट सुटेबल मैच नहीं मिल सकता, उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा हमारे जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो हमारे को वहां से मिलती है। अगर वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें वो भौतिक आवश्यकताएं मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पैरों में अधिकतर ऐसे लोगों के दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, थाइस में दर्द रहता है, नीचे एड़ियों में दर्द रहता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब किसी न किसी चक्रास के साथ जुड़ी भी होती है। ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी बातें आपको बताई है, लेकिन
अगर आप जब भी कोई बीमारी होगी आप उसको रिलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी चक्रा के साथ ही रिलेट करेगी।